This is an ABP Life podcast. नाराज मत हुआ करिए और वो भी चेयर। अरे बैठिए, मैं अभी आपको कुछ और पढ़ने के लिए दूंगी आपको। बैठा बोलन दे। चे चे पोपो। अरे सुनो तो क्या सुनूं? हम बताते हैं कि क्या सुने इन सब से दूर, प्योर फैक्ट्स। एबीपी लाइव का नया पॉडकास्ट FYI। FYI बोले तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। But why are you bringing caste into this? अरे जेंडर वायलेंस की लड़ाई है यार, ये कास्ट वास्ट को बीच में क्यों लाते हो यार? हर चीज में कास्ट। ब्रो चिल मारा कर, कास्ट वास्ट इंडिया में नहीं होता, 15th सेंचुरी में रहता है क्या? कितने लोगों को ये मिसालें, ये आर्ग्यूमेंट्स देते हुए आपने सुना है? फेसबुक पर, ट्विटर पर, बेसिकली हर जगह पर यही सवाल उठ रहा है कि लड़के के रेप और मर्डर में जाति क्यों बीच में ला रहे हो यार? वेलकम टू FYI, मैं हूँ साहिबा और आज आपको मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों जाति को बीच में लाना जरूरी है। हम सभी ने हाथरस केस के बारे में अब तक पढ़ लिया होगा। उस बच्ची की तस्वीरें भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गए होंगे। ऐसी तस्वीरें जिनसे आत्मा सन्ना जाए, ऐसी तस्वीरें शेयर क्यों नहीं करनी चाहिए ये किसी और दिन बताएंगे दोस्तों। आज बात करते हैं जाति और यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट की। सीधे मुद्दे पर आते हैं, आखिर जाति क्यों जरूरी है जब हम रेप या किसी भी तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा रेप और इससे जुड़ी पॉलिटिक्स को। कई लोगों का मानना है कि रेप सिर्फ कुछ किस्म के लोग करते हैं जो दिमाग से असंतुलित होते हैं, मगर स्टैटिस्टिक्स और सोशियो पॉलिटिकल लेंस से देखें तो हमें समझ आएगा कि रेप केवल सेक्स करने की चाह का अंजाम नहीं होता। कई शोध और रिसर्चेस में पाया गया है कि रेप सामने वाले को अपनी हद में रखने के लिए, खड़ी बोली में बोले तो उन्हें अपनी औकात में रखने के लिए भी किया जाता है। अरे जब भी सोशल मीडिया पर लोग किसी ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो सबसे पहले उन्हें उस औरत का रेप करने वाली बातें ही क्यों दिमाग में आती हैं? क्यों हर ट्रोल के कमेंट्स में भद्दी से भद्दी गाली सिर्फ और सिर्फ रेप में ही तब्दील हो जाती है? ये तो हो गई रेप एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यानी कि अत्याचार उत्पीड़न की बात। तो जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ये समझना होगा कि सैकड़ों सालों से भारत में जातिवाद हिंसा आज तक अपनी जड़ें जमा कर बैठी है। आप अगर सरकार के ही आंकड़ों की बात करें तो NCRB का जो डेटा है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हर 15 मिनट में एक दलित लड़की का रेप होता है। कठुआ से लेके खैर लांजी हत्याकांड ले लें, फूलन देवी का केस ले लें, उन्नाव रेप केस ले लें, 200 फहरिस्त लंबी है और समय कम। NCRB के डेटा के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच जितने भी SC/ST महिलाओं और बच्चों पर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं, उनमें 7.3% की बढ़त पाई गई। उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस फहरिस्त में सबसे आगे हैं। भारत अपने आप में पितृसत्ता का गढ़ है, जड़ों तक समाया हुआ जाति भेद इसमें आग में घी का काम करता है। हम बात करेंगे रिया सिंह से, जो दलित विमेन फाइट में एडवोकेट और रिसर्चर है। हाय रिया, वेलकम टू आवर शो FYI। थैंक यू साहिबा फॉर कॉलिंग मी। मेरा आपसे सिंपल और सीधा सवाल ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में जाति की क्या भूमिका होती है? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है कि जब सदियों से सेंचुरी से एक आपको लेजिटिमेसी मिली है कि आप दलित महिला के साथ इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी एक सैंक्शन दे देता है, आपको एक ऑलरेडी परमिशन है ये कार्य करने की। तो 1950 में पहली बार होता है कि दलितों को उस तरह के अधिकार दिए जाते हैं जिस तरह के अधिकार बाकियों के लिए तो नॉर्मल है, पर हम लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है। जैसे कपड़ा पहनने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, तो 1950 में ही ऐसा होता है कि दलित महिलाओं को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अधिकार ये रहा कि इस तरह के जो इंसिडेंसेस हैं या इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो ना हो, और हमारी जो बॉडीज हैं हमारे खुद के बॉडीज हैं, उससे किसी भी अपर कास्ट इंसान का या दबंग जाति के व्यक्ति का अधिकार नहीं है। तो हमारे जो शरीर थे वो हमारे थे नहीं, इनका हमारे शरीर पे भी अधिकार जो दबंग जातियां हैं उनका चल रहा था 1950 से पहले। अब हम उस वक्त में आ गए हैं जब अधिकार तो चले गए हैं पर जो दिमाग में सोच है दलित महिलाओं के शरीर को लेके वो अभी गई नहीं है, और उसके चलते इस तरह की जो
इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं वो हो रहे हैं। शुक्रिया रिया अपना समय देने के लिए। दोस्तों हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन की इतनी आदत हो चुकी है, नहीं ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, ओ नहीं ये तो जेंडर बेस्ड क्राइम है, ये क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है, ये तो हेट क्राइम है, इन सब में हम इंटरसेक्शनैलिटी भूल जाते हैं कि ये सब क्राइम्स वैक्यूम में नहीं होते। कितने ही क्राइम्स ऐसे हैं जो डेटाबेस में फीड ही नहीं होते, और होते हैं तो अट्रोसिटीज ऑन एससी एसटीज के अंतर्गत रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते। कई लोग तो कास्ट वायलेंस को सिर्फ लोगों पे हिंसा का नाम दे देते हैं। क्राइम्स को ऐसे बक्सों में बंद करने के बजाय हमें अपना दिमाग खोलना होगा और समझना होगा कि क्राइम कौन कर रहा है और किस पर कर रहा है। ऑप्रेसर और ऑप्रेस की गुत्थी समझनी होगी और क्यों कुछ कम्युनिटीज पर ही एक तरीके के क्राइम्स होते हैं वो भी समझना होगा। अगली बार अगर आप या आपका कोई दोस्त ये कहे कि यार कास्ट बीच में मत लाया करो यार, हर टाइम कास्ट कास्ट करते रहते हो, तो उन्हें एनसीआरबी का डेटा थमा देना या फिर ये पॉडकास्ट सुना देना। दोस्तों नॉर्मली मैं कविता से शुरुआत करती हूँ, मगर आज मैं कविता से अंत करूंगी क्योंकि कविता बहुत लंबी है और दिल को पसीज के रख देने वाली है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी मर्जी से बढ़ें। कविता का शीर्षक है मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, अदम गोंडवी की कलम से। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बिचारी की कुएं में डूबकर, मैं सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास के गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, बड़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले है खैनी ठोक कर, क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाव के नीचे था रुतबा पा गया, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ, जैसे बरसती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ ना पुट्ठे पर रखने देती है मगरूर है, सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में, घेर कर बस्ती कहा हलके के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने, कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा, फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से भी जो टकराया वह मारा जाएगा, ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसे है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल, उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को, मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में,
तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही या अहिंसा की यहाँ पर नथ उतारी जा रही है, तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। तो दोस्तों, ये थी अदम गोंडवी साहब की कविता आबिर लहरी की आवाज में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा, हमने जो बातें की हैं वो पसंद आई होंगी, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि एक दिन मैं सुबह उठूंगी और अखबार में एक भी एसिड अटैक, एक भी सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एक भी रेप की घटना नहीं पढ़ूंगी। एंड दिस इज वॉट वी हैव टू स्ट्राइव फॉर गाइज। आज के लिए FII में बस इतना ही। फेसबुक पर एबीपी न्यूज के पन्ने को लाइक करें, वहाँ पर हमारा पोस्ट सर्च करें और हमें वहाँ बताएं कि आप और क्या सुनना पसंद करेंगे। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप रीट्वीट कर दें, हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर एक्सप्लेनर बनाएं और आप तक पहुँचाएं। मिलते हैं अगले FII में, तब तक के लिए नमस्कार। This is an ABP Life podcast.